हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल अधिकारी चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाट्सएप की जो पांच सेटिंग है जो आपके बहुत काम आ सकते हैं, शायद आपको उनके बारे में पता नहीं हो। तो फ्रेंड, जानने के लिए कौन से ऐसे पांच सेटिंग हैं व्हाट्सएप पे जो आपके बहुत काम के हो सकते हैं, वीडियो पर एंड तक बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के बारे में फ्रेंड्स हम सबको पता है, आपको भी पता होगा कि व्हाट्सएप एक ऐसा मैसेंजर है जो आज पूरी दुनिया में हर कोई यूज कर रहा है, और हर किसी के एंड्रॉयड फ़ोन में आपको ये ऐप जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो व्हाट्सएप के है जो हम सेटिंग बताएंगे, सबसे पहला सेटिंग है फ्रेंड्स, आपको अपने व्हाट्सएप को ऑन करना है। अपने व्हाट्सएप जो ऐप है उस पर आपको जाना है। व्हाट्सएप पर जाने के बाद फ्रेंड्स आपने सबसे पहले जो है अपनी प्रोफाइल पे जाना है। किसी के भी आप प्रोफाइल पे चले जाइए, जैसे मैंने प्रोफाइल पे गए, यहाँ पे फिर मैं आई बटन को टैप करता हूँ। आई बटन के बाद फ्रेंड यहाँ पे मीडिया विजिबिलिटी पे जाना है। फ्रेंड्स, आपको मीडिया विजिबिलिटी पे जाने के बाद फ्रेंड्स आपने देखा होगा यहाँ पर डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन है, बाय डिफ़ॉल्ट। इसको बाय डिफ़ॉल्ट ना करके आपने नो कर देना है। नो करने के बाद इसे ओके कर देना है। ओके कर देना है फ्रेंड्स। इससे क्या होगा, जो आपकी फ़ोटोज़ होते हैं, जो कोई भी आपको फ़ोटो भेजता है या वीडियो भेजता है, वो अपने आप डाउनलोड नहीं होगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये एक मेन रीज़न होता है हमारे फ़ोन की जो स्टोरेज को जो बर्बाद होती है, या जो बहुत जल्दी वो स्टोरेज हमारी फुल हो जाती है और हमारा जो फ़ोन है एंड्रॉयड फ़ोन वो हैंग करने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही काम का एक सेटिंग है जो आपको अपने व्हाट्सएप पे कर लेना चाहिए, जिससे आपके जो फ़ोन की स्पीड है वो बहुत ही अच्छी रहेगी। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं सेकेंड जो व्हाट्सएप पर हमें सेटिंग करना है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा एक सेटिंग है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप ने हाल ही में एक न्यू फीचर अपने व्हाट्सएप पे ऐड किया है प्लेटफॉर्म पे। अगर आप स्टेटस पर जाते हो, स्टेटस में फ्रेंड्स आप कोई भी स्टेटस उसे लगाते हो अपने व्हाट्सएप पे, और आपको वो स्टेटस बहुत ही अच्छा लगता है और आप उसे फॉरवर्ड करना चाहते हो किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे, तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पे स्टेटस पे जाने के बाद थ्री डॉट पे जाना है। यहाँ फिर आपने आपको ऑप्शन थ्री डॉट का मिलेगा, आपको उसे क्लिक करके, उसे टैप करके उसमें आपको फॉरवर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। आप इसे फॉरवर्ड कर सकते हो जहाँ भी आप करना चाहते हो। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो भी बहुत ही जल्दी, बहुत ही हाल ही में व्हाट्सएप ने अपडेट किया है। तो फ्रेंड्स, आप बात करते हैं कि तीसरी सेटिंग जो है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, तीसरी सेटिंग में हमें जाना है सेटिंग पे, थ्री डॉट पे जाना है फ्रेंड्स। उसके बाद हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स हमने जाना है चैट के ऑप्शन पे। चैट के ऑप्शन पे जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऐप लैंग्वेज मिलेगा। फ्रेंड्स, इससे पहले आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे जो लैंग्वेज था वो इंग्लिश था, पर अब व्हाट्सएप ने बहुत सारी इसमें लैंग्वेज ऐड कर दी है, जैसे हिंदी, मराठी, जो भी आप यहाँ देख रहे हैं सारे, गुजराती, बांग्ला, बहुत सारे ऐसे यहाँ पे ऐड कर लिया। आपको जिस लैंग्वेज में अपने व्हाट्सएप लैंग्वेज चाहिए आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा एक अपडेट है। आप देख सकते हो हिंदी या जो भी आप करना चाहते हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं चौथे सेटिंग के बारे में। फ्रेंड्स, चौथे सेटिंग में जो है आपको जाना है सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स अपने अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाने के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ सबसे टॉप पे जो आपका सबसे टॉप पे जो ऑप्शन आ रहा है प्राइवेसी में जाने के बाद फ्रेंड्स आपने ग्रुप में जाना है। ग्रुप में फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जब भी कोई एक न्यू ग्रुप क्रिएट होता है तो आपको आपकी मर्ज़ी के बगैर कोई भी ऐड कर लेता है, जिससे बहुत ही प्रॉब्लम होती है। आप कभी घर पे हो, ऑफिस में, उसमें बार बार मैसेज पॉपअप होता रहता, आते रहते हैं और उसे बहुत ही इरीटेट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये चाहते हो कोई भी आपको आपकी मर्ज़ी के बगैर ऐड ना कर पाए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एवरीवन को हटा के नोबडी कर सकते हो और यहाँ डन कर सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा जो सेटिंग है आपके लिए, हो सकता है कि बहुत सारे ऐड आप कर लेते हैं विदाउट आपके इन्फॉर्मेशन का, आपको ऐड कर देते हैं और मैसेज आना शुरू कर हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये हमारा चौथा सेटिंग फ्रेंड्स। अब लास्ट जो सेटिंग है, जो लास्ट सेटिंग के बारे में हम बता रहा हूँ, वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जाना है थ्री डॉट में। जाने के बाद फ्रेंड्स आपने सेटिंग में जाने के बाद नोटिफिकेशन में जाना है। फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन में जाने के बाद आपने
यहाँ पे फ्रेंड्स आपने देखा होगा कौन नोटिफिकेशन में जाने के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ जाना है। अगर फ्रेंड्स नोटिफिकेशन जाने के बाद आप ये चाहते हो कि आपका जो व्हाट्सएप पे जितने भी कांटेक्ट हैं वो कांटेक्ट है जितने आपके फ्रेंड हैं वो आपको अलग अलग उनकी जब भी मैसेज आए वो अलग अलग रिंगटोन हो, मतलब एक ही रिंगटोन ना हो, जब भी कोई मैसेज पॉपअप हो वो अलग अलग मैसेज साउंड करे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में जाके जो टोन का ऑप्शन होता है इसमें आप जा सकते हो और जिस भी कॉन्टेक्ट में आप अलग अलग टोन लगा सकते हो कि आपको पता चल जाएगा कि किस व्हाट्सएप पे किसका मैसेज आपको आया हुआ। बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, जिसके चाहे आप उसके मैसेज पे वो टोन सेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारी जो ये सेटिंग है, जो भी हमने आपको व्हाट्सएप के बारे में 5 सेटिंग बताई है, ये पसंद आई होगी। शायद आपको ये पहले से पता हो और कुछ ऐसी सेटिंग है जो शायद आपको पता ना ही हो, तो आप इन सेटिंग को करके अपने व्हाट्सएप को पूरी तरह से इंजॉय कर सकते हो। हाल ही में ये जो सेटिंग है ये अपडेट हुई है व्हाट्सएप पे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।